नमस्कार, मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखित अकेली कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखिकाओं में से एक है मन्नू भंडारी जी। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं यही सच है, मैं हार गए, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर इत्यादि। प्रस्तुत कहानी उनकी काफी चर्चित है। मुख्य पात्र है सोमा बुआ। पात्र से ऐसा लगता है बिल्कुल अपने अड़ोस पड़ोस की कोई घटना है। अक्सर हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं, इनके दुख हम समझ सकते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है, वृद्धा है। सोमा बुआ परित्यक्ता है, रिजेक्टेड। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति पत्नी और जवान बेटे का जो परिवार था, बेटा हरखू के मर जाने के बाद पति सन्यासी बन जाता है, तीर्थवासी बन गया है, लेकिन साल में एक महीना जरूर आता है। सोमा बुआ अकेली रहती है। अपने अड़ोस पड़ोस के घर में कोई कार्य घटे तो वहां पहुंच जाती है, उनको मदद करती है। लेकिन इस तरह लोगों के घर में जाना, काम करना पति को अच्छा नहीं लगता। आजकल वो घर पहुंचे हैं, किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेई हो, शादी हो या गमी हो, वहां पहुंच जाती फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही। ये सोमा बुआ की विशेषता है, लेकिन पति को यह अच्छा नहीं लगता। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और कब अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है और बता चुका है, बिना बुला के कहीं मत जाना, आज किशोरीलाल के घर में मुंडन के कार्य है। हालांकि किशोरीलाल पैसे वाले हैं, इसलिए सारे बिरादरी लोगों को बुलाया है और उनके घर में जो नए नवेली बहुए हैं उनसे ये काम नहीं हो सकता। आज जाना जरूरी था किशोरीलाल के घर, लेकिन पति महाशय सख्त आवाज में, सख्त शब्दों में बता चुका है, इसलिए वो नाराज है। आंगन में बुआ बैठी धूप का रही है और तेल से हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है, नाराज हो गई है। आजकल वो वही काम कर सकती, जोर जोर से आवाज निकालती है। तभी राधा बाबी आके कहती है, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो, क्या फिर सन्यासी जी महाराज कुछ कह दिया क्या? तब ये कहती है, किशोरीलाल के घर जाना जरूरी था। और यही नहीं, पिछले बार जब उनके घर में कोई घटना जो घटी तो कितना मुश्किल था, और तब बुआ के कारण किशोरीलाल बताया कि अम्मा आज तुम ना होती तो बद रह जाता, यानी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या घटना घटी वो कहती है, देखिए, भट्टी पर देखो, भट्टी पर यानी जहां जो किचन में काम करने वाले, तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए थे और कुछ सामान ऐसे तैयार किए थे, गुलाब जामुन बस एक पंगत में कम, तो लेकिन बहुत सारे लोग थे, लेकिन बुआ तुरंत मैदा सान कर जो जो काम करना है, तैयार करना, सब लोगों को जितना चाहिए उतना तैयार करके परोसती है, इसलिए वो कहता है तुम ना होती तो आज बद उठ जाती। और इस तरह कहकर वो रो जाती, रोती है। तब वो कहते हैं, राधा भाभी कहती है, तो एक महीने की तो बात है, सहन कर लो, यो तो मैं कहीं आऊं जाऊं तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। और किशोरी क्या वो बुलावा या नहीं? देखिए, अपने लोगों का भी कोई इनविटेशन की प्रतीक्षा करना है? बिल्कुल नहीं, वो कहती है, कहकर वो रोती है, सुनने को तो मैं सुनती हूं पर मन तो दुखता ही रहती है। तो एक महीने तो आती है, दो प्यार से एक तो बोल बोलने में इनको क्या है। तो अंत समय जब पल्ला पकड़ा है तो जिंदगी भर साथ निभाओ, तो वो भी तुम नहीं करते हो, पति के बारे में कहती है। रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चले गए,
तो ये भी तो बात सही है। वो कहते हैं तुम्हें तो बुलाना चाहिए, बिना बुला के जाओगे तो वो अच्छा नहीं, बस यही तो काम है। इस तरह वो सांत्वना देने की कोशिश करती है राधा भाभी। बिना बुलाए भी सिर के बल मैं जाऊं। देखिए, जहां लोगों से मुझे प्यार है उनके मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं सिर के बल जाऊंगी, और जहां प्यार नहीं है वो हजार बार बुलाए तो मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह कहती है। कोई सप्ताह बाद यानी एक दो हफ्ते के बाद प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की के संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। देवर जी मरकर 25 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन भगीरथ नाम के कोई बड़े परिवार वालों के साथ उनके जो विवाह होने वाले हैं उनके दो परिवारों के बीच में, और तुम्हें भी बुलाने वाले हैं। लेकिन सन्यासी महाराज ज्यादा संतुष्ट नहीं है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे, इस तरह वो पति को खुशी खुशी कहती है। लेकिन पति महाशय ज्यादा कुछ नहीं कहता। क्या जाने हमारे घर को बुलावा आएगा या नहीं, देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, इसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं है। ये संबंध रखने का काम जो होता है मर्दों का होता है, और मेरे घर में तो कोई नहीं है, मर्द होकर भी मैं बेमर्द वाली हो गई हूँ। और हमें बुलाएंगे भी या नहीं, तब वो कहती है, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी, संबंध में न रहे कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, यहां और एक बात है, एक बहू बड़ी बहू कहती है कि ये जो जिन जिन को बुलाने के लिए जो लिस्ट बनाया गया है उसमें तुम्हारी नाम है, और भले ही संबंध न रहे तो लेकिन संबंध थोड़ी ही चली जाती है, मैं देख कर आई हूं तुम्हारे नाम है। बुआ बहुत खुशी महसूस करती है, दोनों पैसे वाले हैं, उनके घर जाना है, मैं जरूर शादी के लिए जाऊंगी। तब वो राधा भाभी के पास जाती है, पहुंचती है। देखो आजकल के शादी के संदर्भ में कैसे क्या चीज लेके जाते हैं, क्या करना है वो कह रहे, मुझे मालूम नहीं, तुम तो सब कुछ जानती हो, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें ला के दूंगी, जो ठीक समझे तुम ला के देना। तब वो कहती है, राधा भाभी क्या देना चाहती हो शादी में, जेवर कपड़ा श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें, मैं तो कुछ नहीं जानती, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूं, तू ठीक समझे ले आना, बस बद नहीं उड़नी चाहिए। सोमा बुआ कहती, बद नहीं उड़नी चाहिए, यानी बड़ी सभा में जब हम कुछ लेके जाएंगे, शादी में भाग लेंगे, तो बिल्कुल उसे जंचना चाहिए, ठीक लगना चाहिए, और 25 साल बाद ये आई है, ऐसा नहीं, गलत नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए जो ठीक समझे और जो मेरे पास है मैं तुम्हें ला के दूंगी। और वो कहती है, मेरे पास है जो दूंगी, और अंदर जाके जब संदूक ढूंढ के निकालती है उसमें सिर्फ 7 रुपए और कुछ कॉइन्स। उसे देखकर जिस डगमगाते कदम रखते वो आ रही थी जोर जोर से, लेकिन कम पैसे देखकर उसकी गति में एक तरह का निस्तब्ध था आ जाती है। तो इतने रुपए में तो बड़े घरों वालों की घर में से बिंदी भी नहीं आएंगी, इस तरह सोचती है। और वहां जो है मरे हुए बेटे का एक आखिरी निशानी, एक सोने की अंगूठी है। बड़े बड़े कष्ट में, कष्ट के घर संदर्भ में भी वो बचा के रखी थी, लेकिन आज उसे और 5 रुपए, जो 7 रुपए था उसमें से 5 रुपए निकाल के आती है और राधा भाभी को देती है, मेरे पास इतना ही है, पैसे कहाँ से आए, और एक कोटरी की जो किराया मिलती है वो मेरा 2 वक्त की रोटी या वगैरह खर्च के लिए कम पड़ जाती है, ऐसे वो कहती है। राधा भाभी कहती, मैं क्या करूं बुआ, मेरे पास मेरे हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। नहीं रे राधा, समझियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं, इसे तो न जाऊं ही अच्छा है। तब राधा भाभी कहती है, मत छा, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि तुम आए हैं या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, लेकिन कहती है सोमा बुआ, नहीं, वो बुरा मानेंगे, इतने साल बाद समदिन होकर नहीं जाऊंगी तो क्या कहेंगे, यह अंगूठी बेच ही दे, जवान बेटे की जो आखिरी निशान
हालांकि उसी बेटे के कारण इनके जो जो परिवार जो है अलग थलग हो चुकी है, और आज वो आखिरी निशान अंगूठी भी दे देती है। और यही नहीं, राधा भाभी को दे देती है, तुम जो ठीक समझो लेके आना। गली में बुआ ने छुट्टी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक अपने पुराने बदसूरत जो बैंगल्स है, चूड़िया है, उसे देखकर उसे खरीदना चाहती, नए खरीदना चाहती, और चोरी छिपे पिछले दरवाजे जाकर वो खरीदती है। और यही नहीं, उसे कपड़ों में ढंग कर किसी को नए कंकन ना दिखे ऐसे वो करती है। एक रुपया कलधार खर्च करके लाल हरी चूड़िया के बंद पहन लिए, यानी बंद यानी एक का जो उसका जो पैक, पर सारे दिन हाथों को साड़ी से आंचल से ढके ढके फिर शादी के माहौल में जो अच्छी तरह से वहां घूमना है, तो आज नए बैंगल्स पहन के मैं घूमूंगी तो अच्छा नहीं लगता, इस तरह सोच के साड़ी कवर करके ही रही। शाम को राधा भाभी ने बुआ कुछ चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। तो अंगूठी बेचकर जो जो सोने की सिंदूरदानी और ब्लाउज वगैरह वगैरह लाके दी। इसे देखकर बुआ खुशी महसूस करती, ताली में सारे एक नारियल वगैरह और ये सारी चीज को सजा के रखती है, और यही नहीं साड़ी को भी रंग डाल देती है। लेकिन राधा से कहते हैं, तुम जो रंग डालती हो तो कितना चमक रहती है, मेरे साड़ी में इतनी चमक नहीं। तो वो कहती है उसे मांड यानी स्टार्च और उसके साथ कुछ अभ्रक यानी कलर वगैरह डालने के लिए कहते हैं, जिससे वो शाइनिंग हो। तो ये सारी तैयारी हो जाती है। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में पीना हुआ क्रोशिए का एक छोटा सा यानी जो टेबल क्लॉथ वगैरह जो डिजाइन वाला था वो सारे रखे तो सजा के रखती है। लेकिन पति महाशय ने बता चुका है, इनके बुआ जी की सारी तैयारियां वो देख रहे हैं, और कह दिया, चेतावनी वार्निंग भी दे दिया, यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावले ही समझा, मैं क्या पागल हूं, विदाउट इनविटेशन मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे कहती है। और पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में मेरे नाम देखकर आई है, पति को भी वो बता चुकी है। और यही कारण है वो अपने इतने सारी तैयारी कर चुकी, क्योंकि लिस्ट में नाम है, नंदा बता चुकी है। 3 बजे के करीब हुआ, अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखकर राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ, शादी 5 बजे, अभी 3 बजे हो चुके, अभी गए नहीं। एकाएक चौंकते हुए, कितने बज गए राधा, क्या 3, सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता, बजे 3 ही है, और धूप सारी छत पर ऐसे लग गए जैसे मानो शाम हो गए। गई नहीं राधा कहती है, लेकिन उसका आंसर ये नहीं, बात में उसे पता चलता है, लेकिन 5 बजे का मुहूर्त अब तक नहीं बुलाया गया है, अभी बुलावा नहीं आया है। गली में जो कोई आता है तो तुरंत उसके बुआ के आंखों में चमक आती है कि इनविटेशन आ गया, लेकिन नहीं आया। तो इसी तरह 7 बजे हुए, राधा भाभी देखती है, देखिए 3 से 5 बजे की शादी जाना था, इनविटेशन अब आएगी तब आएगी, लेकिन आए ही नहीं। और 7 बजे ठंड पड़ रही है, राधा भाभी को पता चलता है इनविटेशन नहीं आया है। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए हुए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया, राधा भाभी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शादी के लिए जो जो तैयारी वगैरह जो करना था वो सारी बना के दी है, और पिछले कुछ दिनों से वो कितने खुशी महसूस कर रही थी बुआ, और आज उसको इन्विटेशन नहीं आया और गई नहीं। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में कड़ी कड़ी यहां क्या कर रही हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए, यानी 7 बज गए, यही ठंड हो जाएगी, इस तरह कड़े रहोगे। तो एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए कहा,
पर साथ कैसे बच सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। ये सेंटेंस आपको याद रखना चाहिए, साथ कैसे हो सकता है, मुहूर्त तो 5 बजे का है। इसका मतलब है 5 बजे से पहले मुझे बुलाना और मैं जाना और शादी में भाग लेना, ये से हर हालत में होना ही चाहिए था। इसलिए कहते हैं मुहूर्त तो 5 बजे है, साथ कैसे बच सकता है। और फिर वो एकाएक स्थिति को समझ लेती है और कहती है, अरे क्या काना, दो जनन कोता है, जनन कोता है, यानी उसके लिए क्या कितना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी इसको उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसको थह के यानी फोल्ड करके रखे और धीरे धीरे हाथों में चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगूठी जलाने लगी। मनु भंडारी जी बहुत सुंदर ढंग से इसे लिखे हैं। यहां ध्यान देने की बात है, आप देख सकते हैं सोमा बुआ जी थोड़ मेहनत करने वाली है क्योंकि वो अकेली है, उसे भी टाइम पास करने किसी तरह जीना है और अगल बगल के लोग अपने काम करवाना चाहते तो बहुत अच्छे तरीका निकाल दिया। बुआ को तो बड़ा चिढ़ा कर क्या ना, क्यों नहीं लिस्ट में तुम्हारे नाम है, क्यों नहीं बुलाएंगे। और यहाँ वो काफी मेहनत करके इनको काम किया और काफी रस्म जानती है, रीति रिवाज जानती है, चाहे किसी भी घर में हो जो नए बहुए वगैरह है उनको मालूम नहीं है। और ये ऐन वक्त पर समारोह के समय पर जो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे संदर्भ में कोई बड़े होते तो अच्छा लगता है और बुआ ऐसे काम करती है। और ऐसे बुआ को तो कहे, मैं लिस्ट में तेरे नाम है, देखकर आई हूं, इस तरह झूठ कहते हैं और उसके लिए अपने बेटे के एकमात्र आखिरी निशान वो यानी अंगूठी को बेच कर सारी तैयारी करती है। नए बैंगल्स यानी जो कंकण खरीद लेती वो भी साड़ी में ढककर घूमती है एक दो दिन। और 5 बजे का मुहूर्त है, अब आएगा तब आएगा, लेकिन आता ही नहीं। और राधा भाभी तो सारी स्थिति को समझकर कहती है, ठंड लग जाएगी क्योंकि वो नहीं, क्यों गए नहीं, लेकिन अब वो नहीं कहेगी, यानी उनको इनविटेशन नहीं आया। काफी सरल भाषा में बहुत सुंदर ढंग से मनु भंडारी जी लिखे हैं। प्रणाम।